यूपी की राजधानी लखनऊ के कोर्ट में हुए शूटआउट में जख्मी बच्चे को देखने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, रेपो रेट 6.50% पर बरकरार। लखनऊ के एक कोर्ट में हुए गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या मामले में एसआईटी ने शुरू की जांच, 7 दिनों में सौंपेगी रिपोर्ट। ओडिशा ट्रेन हादसे में बिहार के 50 लोगों की मौत, 19 यात्री लापता। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का आरोप, शिंदे गुट से मिली जान से मारने की धमकी। महाराष्ट्र के ठाणे में ट्रक की चपेट में आने से 10 साल की बच्ची की मौत। बिहार में 15 आईएएस ऑफिसर के तबादले। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में किया श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन। सपा के सीनियर नेता सीपी राय आज कांग्रेस में होंगे शामिल, लखनऊ में 2:30 बजे होगा कार्यक्रम। रूस में फंसे यात्रियों को लेने पहुंचा एयर इंडिया का दूसरा विमान, सैन फ्रांसिस्को के लिए भरी उड़ान।